दोस्तों, आदि पुरुष का आज दूसरा गाना आया और मैं वेट कर रहा था कि रावण को ये लोग कब दिखाएंगे, लेकिन भाई ये मार्केटिंग पे इतना ध्यान दे रहे हैं कि इनका सिर्फ एक लक्ष्य है कि आपको कैसे भी थिएटर्स तक पहुंचा दें। इसी वजह से दोस्तों ये रावण को दिखाई नहीं रहे हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि आदि पुरुष के प्रोड्यूसर्स को पुलिस की मदद लेनी चाहिए कि हमारे 700 करोड़ इस मूवी से गए कहां, क्योंकि यार आज भी इसके विजुअल्स देखने में लग नहीं रहा कि ये 700 करोड़ रुपए का माल है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं आप आगे जान जाओगे, पूरी वीडियो देखना, और सच बता रहा हूं आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। अगर बात करें दोस्तों आदि पुरुष के दूसरे गाने की, तो ये गाना भी नया नहीं है। राम आराम ये सॉन्ग टी सीरीज 2 साल पहले ही रिलीज कर चुकी है। हाँ, ये बात सही है कि पुराने में कुछ चेंजेस करके ये नया गाना लेके आए हैं, लेकिन नया तो नहीं है ना। अब बात करें कि पुराने वाले सॉन्ग में और नए वाले सॉन्ग में क्या अंतर है, तो अंतर बहुत सारे हैं, मतलब बहुत सारे चेंजेस इन्होंने किए हैं। जैसे पहले वाले राम सियाराम गाने के जो लिरिक्स थे वो लिखे थे शाबिर अहमद ने, और दोस्तों यही हमारे इंडिया की ब्यूटी है कि एक मुस्लिम कलाकार राम सियाराम गाने के लिरिक्स लिख रहा है। लेकिन जो ये नया वाला गाना है राम सियाराम आदि पुरुष का, इसके लिरिक्स लिखे हैं मनोज जी ने, जो कि एक ब्रिलियंट सॉन्ग राइटर हैं, और इस गाने में भी उन्होंने अपना काम बखूबी निभाया है। यार इसके लिरिक्स कितने अच्छे हैं, भगवान राम और सीता माता की बॉन्डिंग को शब्दों में उतारा, वो भी इतने एक्सीलेंट तरीके से, जैसे एक है चंदन और एक है पानी, मतलब आपको पूरा फील दिलाएंगे ये लिरिक्स कि आप रामायण देख रहे हो और राम जी और सीता जी की जो बॉन्डिंग है वो कितनी स्ट्रांग है। जो पहले वाला राम सियाराम गाना था 2 साल पहले वाला, उसका म्यूजिक दिया था पूनम ठक्कर ने, लेकिन इस गाने का म्यूजिक दिया है सचेत परंपरा ने। पहले वाले गाने के जो सिंगर थे और इस वाले गाने के जो सिंगर हैं वो दोनों सेम हैं। खासकर ऐसे गानों के लिए ही सचेत परंपरा की एक अलग ही पहचान है। आपने खूब वायरल वीडियोस देखे होंगे इंटरनेट पर इनके। अगर दोस्तों मैं कुल मिलाकर बात बताऊं तो सॉन्ग में कोई कमी निकाल ही नहीं सकता, इतना अच्छा ये सॉन्ग है। इसको सॉन्ग तो बोला जा रहा है दोस्तों, लेकिन मुझे तो ये एक भजन लगा। इसको सुनने पर आपको रिलैक्स फील होगा, आप वापस रिपीट इस सॉन्ग को सुनोगे, आपको एक पॉजिटिव वाइब आएगी, पॉजिटिविटी आपको ये सॉन्ग फील कराएगा, और बताओ तारीफ में क्या बोलूं। और रही बात इसके विजुअल्स की, तो मैं फिर कहूंगा कि 700 करोड़ रुपए इन्होंने लगा कहां दिए। 2023 में ये 700 करोड़ रुपए लगा रहे हैं और ऐसी कुछ चीज बना रहे हैं, यार ये 2023 में बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। अगर आप सिर्फ गाना सुनोगे तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर आप इसकी वीडियो साथ में देखोगे तो आपको लगेगा यार ये क्या कर रहे हैं, प्रभास को श्रीराम जी का लुक बिल्कुल सूट नहीं कर रहा है। दिखने में सीता मां के रोल में कृति अच्छी लग रही है, लेकिन जब कृति डायलॉग्स डिलीवर कर रही है बिल्कुल ही नहीं लग रहा यार कि सीता माँ डायलॉग्स बोल रही हैं। लग रहा है कोई मॉडर्न एक्ट्रेस ही डायलॉग्स बोल रही है, मतलब जो लहजा है कृति के डायलॉग्स डिलीवर करने का वो आज के मॉडर्न टाइम का तो लग रहा है, लेकिन रामायण के टाइम का बिल्कुल नहीं लग रहा। और यार कई सीन्स इसके रात के समय दिखा रखे हैं जो दिन के समय दिखाने चाहिए थे। और यार जब जब हनुमान जी आ रहे हैं ट्रेलर में कह लो या फिर गानों में कह लो, तब तब ऐसा लग रहा है कि कुछ कमी रह गई है, मतलब परफेक्ट तो अभी भी नहीं है। और पता नहीं यार क्यों इनकी जो मसल्स है उनको इतना बड़ा बड़ा दिखा रखा है ना, जो बिल्कुल भी देखने में अच्छा नहीं लग रहा। शरीर तो इतना बड़ा नहीं दिखा रखा, लेकिन जो मसल्स हैं वो इतनी बड़ी बड़ी दिखा रखी हैं जो बहुत अजीब लग रही हैं देखने में। ट्रेलर में रावण का लुक नहीं दिखाया, मैं तभी से वेट कर रहा हूं कि ये रावण का लुक कब दिखाएंगे। लेकिन 2 गाने आ चुके हैं, ट्रेलर तो आ ही चुका है, लेकिन इन्होंने अभी तक रावण के लुक को रिवील नहीं किया है। इनका पूरा ध्यान सिर्फ आपको एक बार थिएटर्स तक पहुंचाने में है। बस एक बार आप थिएटर्स तक पहुंचो, आपको बाद में अच्छी लगे ना लगे, बस एक बार कमाई कर दो आप। और मैं आपको एक बात और बता दूं, कमाई तो ये मूवी कर लेगी, चाहे अच्छी हो या फिर बुरी। अगर आपको मेरा रिव्यू और रिव्यू बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब करना, आपके लिए बिल्कुल फ्री है, तो फिर क्यों नहीं करते हो, प्लीज सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।